प्रज्ञान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद अब रोवर प्रज्ञान पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब रोवर प्रज्ञान ही चांद की रहस्यमय दुनिया से पर्दा उठाने वाला है। तो रोवर का क्या काम रहने वाला है, ये हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, रोवर जो कि अब लैंडर से तो निकल चुका है, लेकिन रोवर का काम है चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान जो अपना काम है शुरू कर चुका है, जानकारियां ये जुटाएगा। तो रोवर प्रज्ञान की मून वॉक में अगला स्टेप क्या होगा? रोवर प्रज्ञान चांद पर 14 दिनों तक रहेगा और वहां पर रिसर्च करेगा और ये डेटा धरती पर भेजेगा। 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करेगा, तो 14 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और 500 मीटर के दायरे में रोवर जानकारी जुटाएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस दौरान आपको बता दें कि चंद्रमा की संरचना की जानकारी भी ये रोवर प्रज्ञान जो है वो जुटाएगा, जो अपने काम में लग भी चुका है। बिल्कुल, इसके अलावा चांद पर मौजूद खनिजों का पता भी रोवर लगाएगा। और साथ ही आपको बता दें, इतना ही नहीं, रोवर प्रज्ञान दरअसल भूकंप से जुड़ी जानकारी भी हासिल करेगा या फिर किसी दूसरी आपदा से जुड़ी जानकारी भी वो जुटाएगा। चांद पर तापमान की जानकारी भी रोवर जुटाएगा, तो काफी सारे काम रोवर को 14 दिन के अंदर करने हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि प्रज्ञान जो है सोलर पैनल की मदद से चार्ज भी हो सकता है, ताकि वो अपना काम जारी रख सके। रोवर प्रज्ञान 50 वॉट तक बिजली बना भी सकता है, तो यानी कि सारी तैयारी इसरो की तरफ से की गई है और मिशन पर लगा हुआ है रोवर। 14 दिन का इंतजार। और मिशन मून की कामयाबी पर पूरा देश इस वक्त जश्न मना रहा है, दुनिया भर से देश के लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। अब अगले 14 दिन तक रोवर प्रज्ञान चांद की रहस्यमयी दुनिया की जानकारी जुटाएगा। चांद पर रोवर कैसे काम करेगा और उसका दायरा क्या होगा, इसके बारे में न्यूज 18 इंडिया की टीम ने एक्सपर्ट्स बाला चंद्रन से बातचीत की। भारत चांद पर पहुंच चुका है, उसके बाद अब आगे क्या होगा, भारत का रुतबा विश्व के स्पेस की दुनिया में कितना बढ़ा है और अब जो प्रज्ञान रोवर है वो किस तरह से आगे काम करेगा और वो जो जानकारी जुटाएगा किस तरीके से वो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नेहरू तारामंडल में है, जहां पर आप देखेंगे एक चंद्रयान 3 का एक रेप्लिका है, एक मॉडल है। देखिए, अब जो घड़ी थी वो हमारे सबसे जो चैलेंजिंग थी वो ये था कि जो विक्रम लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग करे, वो लैंडिंग हमने देखी सॉफ्ट लैंडिंग की, और अब बताया जा रहा है कि जो प्रज्ञान रोवर है वो भी निकल चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट बालाचंद्रन जी। पहले तो आप ये बताएं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और फिर आगे बात करेंगे। देखो, दुनिया का सबसे पहला देश हम बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके अलावा चंद्रमा पे कदम करने के दुनिया का फोर्थ कंट्री बन गया इंडिया, तो दोनों तरफ से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और उसके अलावा जैसे आपने सबने सुना है, देखा है, पूरा प्राउड से मैं कह सकता हूँ हम चांद पे पहुंच चुका है, हमारा निशान वहां पर आ चुका है और हमारा विक्रम से कल रात एक बजे के आसपास जो है प्रज्ञान रोवर नीचे धीरे धीरे आ गया है। और इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि ये उतरते वक्त बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ गया था, तो वो सेटल होने के लिए कोई टाइम लगना है, इसलिए थोड़ा एक बजे तक हमने इंतजार किया, जब ये पूरा धूल मिट्टी बैठ गया नीचे, फिर धीरे धीरे ये नीचे आ गया और अब निकुआ काम शुरू करेंगे। 6-7 घंटे का वक्त इसमें लग गया धूल सेटल होने में। अभी स्टेटस ये है कि जो प्रज्ञान रोवर है वो चांद की सतह पर है। बिल्कुल चांद की सतह के ऊपर है, अब उनके धीरे धीरे हमने काम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें जो स्पेशल जो कैमरे लगे हुए हैं, और सबसे पहले इनका है जो लैंडर है, लैंडर जो है प्रज्ञान का भी फोटो खींचेगा और प्रज्ञान जो है लैंडर का फोटो भी खींचेगा, और ये दोनों तस्वीर ISRO बाहर अभी निकालेगी, अभी बाहर नहीं निकाला, शायद वो एक दो दिन में शायद। सर, ये यही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण तो पूरा है, ये पूरा चंद्रयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका रोल क्या रहने वाला है, जो प्रज्ञान रोवर है यही इसी तरह से कुछ रोवर है जिसमें ये चांद की सतह पर रन करेगा और क्या क्या जानकारियां इकट्ठा करेगा और वो दुनिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होगी। मेन जो काम वहां पर जो काम करना है वो सारे प्रज्ञान रोवर को ही करना है, क्योंकि जो प्रज्ञान रोवर से जो ही इंफॉर्मेशन वो देगा, जो भी वहां पर जो एक्सपेरिमेंट वो करेगा, जो पानी का हो, जैसे भी एक्सपेरिमेंट वो करेगा, उनका इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्ट नहीं देगा, ISRO को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करेगा लैंडर को, जैसे विक्रम लैंडर को, विक्रम लैंडर से ये पास ऑन करेगा ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर से हमारा यहाँ पर पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो तीन जगह से, क्योंकि इससे डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, प्रज्ञान रोवर से कोई हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, वो कम्युनिकेशन है विक्रम लैंडर के साथ।